तो गाइस ये वाला घर वंशिका जी का है, एक बार दिखा देते हैं। ये वंशिका जी अम्मा है। अम्मा हेलो, हेलो बोल दो। हाँ हेलो, कैसी हो? बढ़िया। अपना नाम बताओ। शकुंतला। आपकी पोती इतना वायरल हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है आपकी पोती। अच्छा, अभी सुनने में आ रहा है कि उत्तर कुमार जी से वो मिलने गई थी, आपको कैसा लगा इस चीज में? अच्छे सही सही गई थी वो? बढ़िया लगा। तो आगे जाके ग्रो कर पाएंगे, बढ़िया हो जाएगा ना इनके साथ? ठीक है। और आप, आपने नाम बता दिया तुमने, ऐसे लाइक के लिए बोल लो। तो गाइस जैसा कि तुमने देखा वंशिका जी की नासी, मैंने आपका इंट्रोडक्शन आगे मिलवा दिया है। अब बात ये आती है ओवर कहाँ कहाँ से आए। देखो गाइस मैं आपको बता दूँ, ओवर उनको कई जगह से आए हैं। जिस दिन मैंने उनका इंटरव्यू लिया था ना, मैंने तो मैंने कहीं इंटरव्यू नहीं देखा है वंशिका हाउस का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उनमें जाकर चेक कर लेना, और उनका भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको भी सपोर्ट करना। ठीक है। बात ये आती है कि उनको सपोर्ट मतलब कि उनको ऑफर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं काम करने के, फिल्म में गाने में कहाँ से? देखो जब मैं वहाँ पे गया था तो वो वंशिका जी वंशिका हापुड़ उत्तर कुमार जी से जस्ट हमारे सामने मिल के ही आई थी। उनके घर पे नहीं आए थे उत्तर कुमार जी, कहीं से उन्होंने जैसे बुलाया होगा, इनका प्लान बना होगा, तो कहीं से बाईपास जगह कोई ऐसी जगह थी तो वहाँ से मिल के आ रहे थे। ये उनका फोटो देखो, उत्तर कुमार जी के जब मिले थे ना उनके साथ, ये तो ये जब का फोटो है, तो तभी आए थे। उन्होंने हमसे बताया भी, हमने भी पूछा, हम लोग वहाँ से आए हैं मिल के, तो थोड़ा रुको अभी मतलब कि ठीक है। तो अभी फिर उनसे पहले हमसे पहले एक तो भाई जब हम उनसे मिल के आए थे ना, वो बता रहे थे कि कल हमारे घर पे फरमानी नाज करके कोई सिंगर हैं, कोई एक्टर्स हैं या फिर एक्टरनीस हैं, तो वो उनसे बात करने आए थे, जो कि शायद ढोलक वगैरह से मतलब कि गाना गाते हैं फिर ऐसे। तो उन्होंने ऐसे बोला कि हमारे गाने में तुम रोल करोगी, ठीक है, और आज कल में ही शायद उनसे एक तुमने गाना सुना होगा कि मेरे ससुरे ने बाग लगाया करके कुछ इस तरीके से गाना है, ठीक है। तो उन्होंने जिसने वो गाना गाया था वो एक हरियाणवी गायक हैं, हरियाणवी की सुपरस्टार गायक हैं वो, ठीक है। उनका फ़ोटो ये देखो या क्लिप देख लो, ठीक है। वो भी उनसे मिलने आई थी और उत्तर कुमार जी ने तो बता ही दिया कि तुम मेरे मतलब कि उसमें फिल्म में रोल करोगी शायद। उत्तर कुमार जी के ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो जो ना या तो उत्तर कुमार जी की लड़की का रोल करेंगी या फिर उत्तर कुमार जी की बहन का रोल करेंगी, ठीक है, इन दोनों में से किसी का रोल करेंगी। और अभी बात करें तो देखो उनके पास बहुत सारे ऑफर आ ही रहे हैं कि गाने में आ जाओ, इस तरीके से आ जाओ, ठीक है। और एक भाई देखो यहाँ पे गुलदस्ता भी दिखाए थे उनको, ठीक है। अब गाइस एक चीज़ और आप लोग ये बताओ, देखो आप लोगों ने वंशिका के इंटरव्यू में बहुत सारा सपोर्ट करा मेरे को, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ क्या एक बार हम दोबारा भी मिलने जा सकते हैं क्या वंशिका जी के यहाँ पे, दोबारा भी दूसरा भी इंटरव्यू, या फिर जो मैंने आपको उनको गिफ्ट दिया था उसमें क्या था? आपके मन में बहुत सारे वो आ रहे होंगे क्वेश्चन वगैरह, तो वो क्या था एक बार उनको दिखाऊं। तो गाइस एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं उनसे एक बार मिलके और आऊँ क्या, बताओ एक बार और मिल आऊँगा आपको, इंटरव्यू कराऊँ उनका एक बार और, बताओ, ठीक है, कमेंट में जरूर बता देना। और भाइयों जिसने सब्सक्राइब कर रखा है ना, आप लोगों को यार दिल से धन्यवाद हाथ जोड़ के, और जिसने नहीं कर रखा तो यार आप लोगों के लिए सैल्यूट है, प्लीज़ आप लोग भी कर दो, ठीक। अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।